अब बात बिहार की। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यादव को चुनौती दी है कि वो बिना कागज पढ़े समाजवाद पर 5 मिनट बोलकर दिखाएं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में मीटिंग्स कर रहे हैं, अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रशांत कुमार भोजपुर में थे। प्रशांत किशोर ने यहां कहा, जो खुद 9वीं फेल है वो बिहार के लोगों को शिक्षा का महत्व कैसे बताए, जिसे खुद समाजवाद का मतलब पता नहीं वो बिहार के लोगों को समाजवाद पर क्या लेक्चर देगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल लोगों को नेता मान लिया, ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वो इसी स्थिति को बदलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे, यात्रा पर क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 को मुरेठा बांधेंगे, 4 को लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है RJD, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है ना। विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, परिस्थिति बस आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री है वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे, जिसको ये नहीं मालूम है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूँ, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए, तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया, ना जिसको भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, ना शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ उनकी क्यों, दूसरे नेताओं की डिग्री भी देखी जाए। प्रशांत किशोर ने कहा फेल है, उनको GDP का मतलब पता नहीं, आप लोग होने चाहिए, लेकिन 29 बहुत और भी पार्टी सब उसका भी डिग्री हो गया। प्रशांत किशोर ने अपने कैंपेन से तेजस्वी यादव की नाक में दम कर दिया है। तेजस्वी यादव अपनी तकरीरों में एजुकेशन की, बेरोजगारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर ने उनको 9वीं फेल बताकर उनके इस कैंपेन की हवा निकाल दी। प्रशांत किशोर ने RJD के लिए दूसरी मुसीबत यह खड़ी कर दी कि वो 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, इसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी जातियों के पढ़े लिखे नए लोगों को टिकट देकर बिहार में नई तरह की सियासत शुरू करेंगे। इस चक्कर में तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के पोस्टर बॉय बन गए हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे।